ये शिणा है, ये खैरा है। मुर्गी परिंदों को ला के हर चीज मोटरसाइकिल साइकिल साइकिली चिंकी रशका मकसद गाल दे बकरिया गई मंजी वच्छे कटे शहरियों को बहुत सहूलत है। ई चीज दे उते इना दी फीस भी बड़ी कम है। पंजाब दे रेड नाल नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें ऊंट भी ला रहे हैं और ये घोड़े वगैरह भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दामान टीवी के साथ मैं हूं वहीद पिताफिया और आज हम मौजूद हैं टांक अड्डा के करीब नोल बाग में, जो एक मेला मंडी के नाम से एक इतवार बाज़ार लगाया गया है उसमें, और यहां पे जो है मुख्तलिफ चीज़ें भी बेचने वाले और ख़रीदने वाले आए हुए हैं। चलते हैं यहां पे, ख़रीदार मिलते हैं या कोई लोग मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये देखें भाइयों ने कबूतर पकड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कबूतर ख़रीदे हैं या बेचने आए हैं क्या। ये कितने के ख़रीदे हैं? ये 300-300 रुपये के खरीदे। 300-300 रुपये के खरीदे। अच्छा, ये कौन सी नस्ल के कबूतर हैं? ये शिणा है, ये खैरा है। खैरा है। अच्छा, आप सराकी में बता सकते हैं मतलब इनके नाम और ये इनकी क्या खासियत है? बस उड़ार करते हैं इनके। अच्छा, उड़ार करते हैं। एक दूसरा भाई भी खड़ा है, इसने भी कबूतर पकड़ा है। आप बेचने आए हैं या खरीदने? खरीदने। खरीदा है जी। ये कौन सा कबूतर है? ये लालबन। लालबन जी। ये कितने का खरीदा है? 350 का खरीदा है जी। अच्छा, एक और भाई खड़ा है, इसने भी कबूतर पकड़ा हुआ है। ये कौन सा कबूतर है और खरीदा है या बेचने आए हो? खरीदा है। खरीदा है, कितने का? 250 का। ये कौन सा कबूतर है? पबई। कौन? लाल स्याह पबई। स्याह पबई। अभी लोगों को पहले पता कौन आई ना, हूँ लोगों को पता लग गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक आनी पई है। 10-12 बच्चे विकन खरे ताले, कोई 15-16 बकरे विकन, एक दू गाँव विकी है खीर आली। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आने पन परू को बकरियाँ आई हैं सारे को पंजाब को, मतलब 50-60 हज़ार की बकरी विकी है, 38,500 की बकरी विकी है, सुक्की बकरी इतनी मोटी 25,000 की विकी है। इन बीच मकसद गल का है मुर्गी परिंदों को ला के हर चीज़ मोटरसाइकिल साइकिल साइकिली चिंकी रशका मकसद गल का है बकरियाँ गई मंझी वच्छे कट्टे सब्जी फ्रूट हर किस्म की। अच्छा, असा दूजा सहूलत दीती है इतना लोगों को, मी झाड़ बारिश थी वेंदी है साहे दी सहूलत ए कह मंडी को नहीं दी खान दे अंदर। पहली दफा आए मंडी दा शुगर लिठा से माशाल्लाह बहुत गुंजान आबादी दे विच बेहतरीन है, शहर दे नज़दीक है, शहरियों को बहुत सहूलत है। ई चीज़ दे उते इना दी फीस भी बड़ी कम है पंजाब दे रेट नाल, ते माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन वेंदी पई है। इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करे सी, ते दमान टीवी अलां दा शुक्रिया अदा करने के एदी मेहनत की थी ने। मंडियां कोल ए मुख्तलिफ क्यों है, मतलब लोग इत क्यों आ? बस ईओ फायदा है साहब, जिमे हुन पंजाब दा रूल है ना, सारे गवर्नमेंट KPK बड़ा सख्त रवैया इस्तेमाल की थी पई है। जेरे इना मंडिया ते वंजो कुरेशी मोड़ ते वंजो बिया मंडिया ते वंजो 6% वसूली है। इतना पंजाब दे रहन नाल जिमे हुन पंजाब ही सारा हक है, पंजाब दे सारा हिक बॉर्डर है, सारे को इतना उहा सहूलत मिलनी चाहिए कि जिमे पंजाब वाले देंदे पैन। उत्था फीस है 500 रुपये जानवर, इतना कुरेशी मोड़ से वनो लाख वाला गिनो 6,000 रुपया थीदे, इतना बेशक भावें 2 लाख वाला गिन सो तो 1,800 लग सी। मकसद है कि जरा उत्थू को किराया बखर को लेता किराया तुरा लग सी, ऊँ फीस ना तो आपको इतना जानवर मिल पे सी। तो इन्हों को बड़ी सहूलत देनी पे है। मकसद है कि जितने भी ठेकेदार बिरादरी हैं बड़ा अच्छी सोच की थी ने और आवाम को अच्छी रिलीफ मिल सी। हमारी ये ख्वाहिश थी कि यार सिटी के लोगों को सहूलत दे सकें, और संडे वाला दिन इसलिए रखा है कि लोग फ्रेशमेंट के लिए आएँ, इंजॉय करें, माल लें, ख़रीद करें, फ़रोख्त करें, जो भी हो, मतलब हर किस्म की ये सहूलत हमारे पास है कि हमने जो व्यापारी हजरात के लिए बरामदे बनाई हैं, रूम बनाए हैं, वाशरूम, हर किस्म की सहूलत जो बाहर से आए, जैसे दूर दराज से लोग आते हैं, दराजिंदा हो गया, जोब हो गया, पंजाब से लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए जानवरों की ठहराने की जगह भी है और बंदों के लिए भी हमने इंतजाम किया हुआ है। नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें हमारे हमने बात की हुई है ऊँटों वाले व्यापारियों के साथ, और वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, ऊँट भी ला रहे हैं और ये घोड़े वगैरह भी होंगे, सब कुछ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि DA खान की आवाम को प्रमोट करेंगे।